नफरत फैलाने वाले टीवी चैनलों पर हुई कार्रवाई, वहीं टीवी चैनल पर नफरत फैलाने वाले शो से जुड़ी क्लिप हटाने के आदेश देने के साथ ही टीवी चैनलों पर जुर्माना भी लगाया गया। जिन शो पर जुर्माना लगाया गया है उनमें अमीश देवगन, अमन चोपड़ा और सुधीर चौधरी का शो शामिल है। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी NBDSA के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस AK सीकरी ने टीवी चैनलों पर चल रहे नफरती एजेंडे को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस सीकरी ने कहा कि हर अंतरधार्मिक विवाह को लव जिहाद कहना गलत है। लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल बेहद ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि इसके गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल से देश के सेकुलर ढांचे को चरमरा सकता है। श्रद्धा वॉलकर मामले का जिक्र करते हुए जस्टिस सीकरी ने न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन, अमन चोपड़ा के शो पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके शो में मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया। इसी मामले में टाइम्स नाउ के एंकर हिमांशु दीक्षित के प्रोग्राम को भी अनुचित माना गया और कार्रवाई की गई। टाइम्स नाउ पर 1 लाख और न्यूज 18 इंडिया पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसके साथ ही उनके कार्यक्रम से जुड़े वीडियो को 7 दिनों के अंदर हटाने के निर्देश दिए गए। जस्टिस सीकरी ने कहा कि मीडिया किसी भी मुद्दे पर शो कर सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति या कुछ लोगों के काम के चलते पूरे समुदाय को टारगेट करना गलत है। वहीं आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम ब्लैक एंड व्हाइट शो में रामनवमी पर देश में हुए सांप्रदायिक टकराव के नाम पर एक समुदाय को विशेष टारगेट किया है। इसे लेकर सुधीर चौधरी को चेतावनी दी गई है। DB लाइव की रिपोर्ट।